आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड d दूरी पर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए उस स्थिति में जहां पर उनके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है, विभव निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, v = -g/t d m1 + m2 + √m1 + m2। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये दो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके बीच की दूरी d है और यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस बिंदु पर, मान लेते हैं इस बिंदु पर यहाँ से x की दूरी पर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है, तो इस बिंदु पर हमें जो गुरुत्वीय विभव का जो समीकरण आएगा ये आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो है हम x और d-x की दूरी, अगर ये दोनों दूरी निकालेंगे तो आसानी से इस बिंदु पर हम विभव निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर इस बिंदु पर विभव शून्य होना है, अगर या इस बिंदु पर देखेंगे तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र जो आएगा वेक्टर e2 प्लस वेक्टर e1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर इनको परिमाण के रूप में लिखेंगे तो दोनों की जो है दिशा एक दूसरे से विपरीत है, तो सीधा वेक्टर e2 - e1 हो जाएगा। अगर ये जीरो करना है तो ये जो है ये जीरो होना है, तो इसकी वैल्यू जीरो आनी, तो यहाँ से e1 = e2 हो गया। ओके, अब अगर ये e1 = e2 है तो यहाँ पे अगर e1 और e2 की वैल्यू अगर इस बिंदु पे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से x दूरी मान लिए हैं यहाँ से, और यहाँ से जो है d-x दूरी हो गया है। ओके, तो यहाँ से x दूरी माने हैं, तो इस बिंदु पे जो है e1 और e2 दोनों बराबर होंगे, तभी यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होगा। तो अब इस बिंदु पे जो है हम e1 और e2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि x और d-x दूरी पे है दोनों द्रव्यमानों से। ओके, तो यहाँ पे अब e1 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आएगा, e1 यहाँ से इस बिंदु पर आएगा g m1 / x² आएगा ये। ओके, अब उस इस द्रव्यमान के लिए इस बिंदु पे जो आएगा g m2 / d-x² आएगा। जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से जो है d-x d-x / x, इसको इधर ले गए और इस ये यहीं पर रहने दिए, और m2 / m1 का अंडर रूट हो जाएगा। ये इधर आया और उसको अंडर रूट ले लिए, तो ये इस तरीके से आ गया। ओके, अब यहाँ से जो है हम इसको x से डिवाइड कर देंगे, तो ये d/x ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये 1 + √m2 / m1 हो जाएगा। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये √m1 + √m2 / √m1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √m1 × d, ओके, √m1 + m2। ओके, ये जो है x की वैल्यू जो है ये आएगी √m1 / √m1 + √m2। तो अब हम आसानी से x वाले m1 द्रव्यमान से x दूरी पर जो गुरुत्वीय विभव निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आगे जो है d-x की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम जो है d-x यहाँ पे x की वैल्यू रख के d-x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से d-x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी इस वाले इक्वेशन में जो है, अगर x की वैल्यू रखेंगे तो d-x की वैल्यू निकल आएगी, तो √m2 आएगा (d/), ये जो है √m1 + √m2 आएगा। ओके, ये d-x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे गुरुत्वीय विभव लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, v = आएगा गुरुत्वीय विभव, अब लिखेंगे हम वहाँ पे उस पॉइंट पे, ये v = आएगा ये -g m1 / x, ये आएगा -g m2 / d-x। ये जो है गुरुत्वीय विभव का फार्मूला होता है, जो है उस पिंड का द्रव्यमान और वहां से जो है जिस पिंड बिंदु पे निकाल रहे हैं उस द्रव्यमान से उस बिंदु की दूरी होती है, और ये हमेशा गुरुत्वीय विभव जो है माइनस में आता है। ओके, यहाँ से x और d-x की वैल्यू लाके अगर यहाँ से समीकरण इन दोनों से जो है x और d-x की वैल्यू अगर हम लाके यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा -g m1, यहाँ से तो -g कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो -g दोनों में से कॉमन लेने के बाद ये m1 / यहाँ पे x की वैल्यू लाके रखेंगे, ये हो जाएगा ये √m1d और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये रूट ये जो है हर वाली क्वांटिटी जो है ऊपर चली जाएगी, तो ये √m1 + √m2 के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से जो है हम d-x की भी वैल्यू ला के रखेंगे, ये हो जाएगा m2 / √m2d
और यहाँ पे अंडर रूट एम वन प्लस एम टू हो जाएगा। ओके अब यहाँ से जो है, अब आप ये देख सकते हैं हम यहाँ से जो है डी को भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में डी भी है, तो यहाँ से अगर हम डी को कॉमन लेंगे तो ये माइनस जी डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं ये ऊपर जो है एम वन है और नीचे अंडर रूट एम वन है, तो ऊपर सिर्फ जो है अंडर रूट एम वन बच जाएगा। अंडर रूट एम वन से जो है अंडर रूट एम वन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वन आएगा, और अंडर रूट एम वन से जो है अंडर रूट एम टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट एम वन इंटू एम टू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट एम टू बचेगा, अंडर रूट एम टू का जो है अंडर रूट एम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम टू हो जाएगा, अंडर रूट एम टू का अंडर रूट एम वन से करेंगे तो अंडर रूट एम वन इंटू एम टू आएगा। तो यहाँ से ये भी जो है एम टू प्लस जो है अंडर रूट एम वन इंटू एम टू हो जाएगा। ओके अब जब इसको फर्दर सरल करेंगे हम तो यहाँ से वी की वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस जी डिवाइडेड बाई डी एम वन प्लस एम टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट एम वन इंटू एम टू। ओके तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि वी बराबर माइनस जी डिवाइडेड बाई टू एम वन प्लस एम टू प्लस टू अंडर रूट एम वन प्लस इंटू एम टू होता है। तो ओके यही क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ओके थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।